हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कक्षा 10th में, मैंने आपको कल यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पर चर्चा की थी और उसके बारे में आपको बताया था कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ। फ्रांस में हुआ और उसके बाद यूरोप के अन्य राज्यों में जो है ये पहुंचा। और वहाँ जो निरंकुशवाद था, उस निरंकुशवाद के खिलाफ वहाँ के लोगों ने, वहाँ के संघों ने मिलकर के आवाज़ उठाई और बहुत सारे परिवर्तन किए। जो तानाशाह व्यवस्था थी उसको ध्वस्त किया गया और नए सिरे से जनतांत्रिक सामाजिकता, समानता का भाव जो है लोगों में पैदा किया गया, लोगों में विश्वास जगाया गया। इस तरह से फ्रांस की राज क्रांति जो 1789 में हुई थी वह क्रांति सफल रही और यूरोप के अन्य देश जो थे वहाँ पर भी उसका असर देखने को मिला, जिसके बारे में मैं आपको कल विस्तार से बता चुका हूँ। और आगे आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण पर बात करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला, इसका निर्माण कैसे हुआ, यहाँ हम इस पर चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में राष्ट्रवाद का जो है, फ्रांस में राष्ट्रवाद का विस्तार कैसे आया, राष्ट्रवाद पूरे यूरोप में कैसे फैला, इस टॉपिक को समझने के लिए हमने 3 राष्ट्रों से संबंधित टॉपिक था, उसमें राष्ट्र है, राज्य है, राष्ट्र राज दोनों हैं। तो बताते हैं कि जैसे कि राज्य राष्ट्र और राष्ट्र राज ये हैं क्या होते हैं, तो इसमें इतना ही बता देना चाहता हूँ कि राज्य क्या होता है। तो राज्य किसी इलाके पर किसी का शासन, किसी इलाके पर किसी का शासन, किसी भूभाग पर किसी व्यक्ति या सरकार का शासन जो होता है वह राज्य होता है। जैसे पहले मुग़ल एम्पायर हुआ करता था, मुग़ल शासन था, उस समय मुग़ल बादशाह जो है राज किया करते थे। और इसी प्रकार से जो है हम राष्ट्र को परिभाषित करेंगे कि एक विशाल राष्ट्र इस प्रकार से बना और उसके नियम, उसकी जो है परंपराएं, उसके जो है क्या नाम से फैक्ट्स जो हैं वो हम इसमें देखते। मैं बात कर रहा था कि 18वीं इस टॉपिक में हम जो बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, कि 18वीं शताब्दी में कोई भी राष्ट्र राज नहीं था, 18वीं शताब्दी में कोई भी राष्ट्र राज नहीं था, अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, सही है सर। बिट मीन्स मध्य में पूर्वी व मध्य यूरोप में राजतंत्र के अधीन था, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी व मध्य यूरोप जो है पूरी तरह से राजतंत्रों के अधीन था, राजाओं का शासन हुआ करता था, राजा जो है पूरी अपनी विधि बनाते थे, कानून बनाते थे, जनता उनका पालन करती थी और राजा सर्वसर्व हुआ करते थे, या रहने वाले लोग विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य हुआ करते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य की बात बता रहा हूँ। और केवल सम्राट के प्रति जो है सबकी निष्ठा होती थी और इन समूहों को आपस में बांधने वाला जो तत्व था कौन था, वो राजा। इट मीन्स यूरोप जो है महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग जो था उस समय, हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग वो था कुलीन वर्ग। अब विद्यार्थियों, कुलीन का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वर्ग था। तो चर्चा करेंगे कि यूरोप महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग जो था वो हमारा था कुलीन वर्ग, जो कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक हुआ करता था, बड़े बड़ी भूमियों के वो मालिक हुआ करते थे कुलीन वर्ग के लोग, और जनसंख्या की दृष्टि से
कुलिनबर्ग एक छोटा समूह था, यानी कि इनकी जनसंख्या क्या थी भैया, कम हुआ करती थी। ये श्रेष्ठ वक्ता बड़ी बड़ी भूमियों के मालिक हुआ करते थे। अधिकांश जो लोग थे, अधिकांश लोग क्या करते थे भैया, कृषि यानी कि सॉरी कृषक थे। अधिकांश लोग क्या थे भैया यहाँ पर, कृषक, यानी कि अपन बोलेंगे कि कुलिनबर्ग जो था वो सामाजिक व राजनीतिक रूप से अधिक जो है सामाजिक रूप से भूमि का मालिक था। साथ ही साथ जनसंख्या की दृष्टि से कुलिनबर्ग एक छोटा समूह था। अधिकांश लोग कृषक हुआ करते थे, जो खेती आदि किया करते थे, फसलें आदि बोया करते थे। मध्य और पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापार, मध्य और पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होने के कारण शहरों व वाणिज्य वर्गों का क्या हुआ भैया, जन्म हुआ। शहरों और वाणिज्य वर्ग का जन्म हुआ, उससे क्या हुआ, आयात निर्यात में वृद्धि हुई, आवागमन हुआ, लोग एक देश से दूसरे देश में जाने आने लगे, उत्पादन पर सारा भार टिक गया क्योंकि औद्योगिकरण हुआ, उत्पादन के साधनों में वृद्धि हुई और निर्बाध रूप से व्यापार बढ़ने लगा, एक देश से दूसरे देश में व्यापारीगण जाने लगे। साथ ही साथ यूरोप में जमींदार थे, इसका प्रभाव जो है वहाँ के लोगों पर पड़ा। कुलीन वर्ग आपस में एक दूसरे से क्या होते भैया, जुड़ा हुआ था। जीने का एक तरीका इनका अलग था, वैवाहिक संबंधों से भी जुड़े हुए थे ये, विवाह संबंध किया करते थे, वैवाहिक संबंध किया करते थे, आपस में एक दूसरे के जाना आना, विचारों को अबोध रूप से आदान प्रदान करना कुलीन वर्ग के लोग किया करते थे। फ्रेंच भाषा यहाँ पर उपयोग में लाई जाती थी। कौन सी भाषा उपयोग में लाई जाती थी भैया, फ्रेंच भाषा। यूरोप की जो भाषा है वो फ्रेंच भाषा है। इसके बाद में जो ये बताया मैंने कुलीन वर्ग, जिसको श्रेष्ठ वर्ग बोलते हैं, ये जनसंख्या की दृष्टि से कम हुआ करता था। तो अधिकांश लोग कौन होते थे भैया, कृषक होते थे, जो पूरा काम करते थे, इनकी जिम्मेदारी होती थी। जबकि कुलीन वर्ग जो श्रेष्ठ वर्ग हुआ करता था, इनका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा था और धनिक वर्ग भी माना जाता था। अब आता है दूसरा, श्रमिक वर्ग। देखिए भैया, श्रमिक वर्ग जो है किसान वर्ग था, मेहनत कश लोगों का एक वर्ग था, जो खेती बाड़ी करते थे, फसलों को बोना, उनको काटना, लाना, ले जाना, इसमें छोटे किसान और काश्तकार को शामिल किया जाता है। कौन कौन आते हैं इसमें भैया, छोटे किसान और काश्तकार, काश्तकारों को शामिल किया जाता है, जो वास्तव में इसका इनके ऊपर बहुत दायित्व होता है। अब आते हैं नंबर तीन, नंबर एक ये एक, ये दो और ये तीन। अब तीसरा आता है मध्यम वर्ग, इसकी भूमिका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यम वर्ग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए, मध्यम वर्ग वो वर्ग होता है जिसमें, जिसका मतलब है शिक्षित वर्ग। मध्यम वर्ग में कौन से लोगों को शामिल करेंगे भैया, अपन यहाँ पर एग्जाम में पूछ ले मध्यम वर्ग में कौन से लोग आते हैं, श्रमिक वर्ग में कौन आते हैं, किसान आते हैं, काश्तकार आते हैं, जबकि कुलीन वर्ग में कौन से आते हैं, श्रेष्ठ वर्ग, जो जनसंख्या की दृष्टि से कम होते हैं, जो अधिक पैसे वाले होते हैं और जो क्या नाम से उत्पादन और व्यापार जो है ना अपना करते के साथ साथ कुलीन वर्ग जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि के जो है मालिक होते हैं, इनके लिए अपन शब्द अपनाएंगे भूमि के मालिक। जो बड़े बड़े कॉलोनियों में या बड़े बड़े महलों में निवास करते हैं, जिनका अपना प्रभुत्व होता है, तो वो कुलीन वर्ग हो गए। श्रमिक वर्ग में छोटे किसान काश्तकार आ गए। मध्यम वर्ग में कौन से वर्ग आएंगे भैया, इसमें इसमें शिक्षित वर्ग। तो मध्यम वर्ग को हमने यहाँ पर संज्ञा दी है, किसकी, शिक्षित वर्ग की संज्ञा दी है। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो पढ़ा लिखा वर्ग था, शिक्षित था। इसमें वकील आते हैं, डॉक्टर आते हैं, व्यापारी आते हैं। कौन कौन आते हैं, वकील, डॉक्टर, व्यापारी और अन्य बुद्धिजीवी, अन्य बुद्धिजीवी, अन्य बुद्धिजीवी व्यक्ति इसमें शामिल किए जाते हैं, जो एक मुख्य व्यक्ति होते हैं। यानी कि औद्योगिकरण के कारण मध्य
वर्ग मजबूत हुआ, मध्यम वर्ग ये किसके द्वारा मजबूत हुआ था भैया, औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण में उद्योग की स्थापना हुई, कल कारखानों की स्थापना हुई, तो औद्योगिकरण के कारण जो है मध्य वर्ग मजबूत हुआ। मध्य वर्ग ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में अपना अभूतपूर्व योगदान प्रदान किया था। तो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर है तो वो किसका योगदान मानेंगे अपन भैया, मध्य वर्ग का, जिसमें शिक्षित वर्ग हुआ करता था, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, वकील और अन्य लोग जो समाज के प्रभुत्व नागरिक माने जाते हैं। तो ये तो आपका तीन वर्ग थे जो मैंने बता दिया आपको। अब भैया देखिए साहब, इसी में नेक्स्ट मेरा जो अगला बिंदु है, अगला बिंदु जो मेरा है भैया, उसका नाम है उदारवाद। क्या है भैया? उदारवाद। इस पर अपन चर्चा करेंगे। यूरोप में 19वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग के लोगों एवं बुद्धिजीवियों, यूरोप में 19वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग के लोगों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा, क्या मतलब 19वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग के लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा प्रोत्साहित विचारधारा, लोगों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा प्रोत्साहित क्या भैया, विचारधारा। उदारवाद क्या है साहब? यूरोप में 19वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग के लोगों और बुद्धिजीवी द्वारा प्रोत्साहित वह विचारधारा जिसमें उनको ही अधिक से अधिक राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में अवसर प्राप्त हो, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या प्राप्त हो या अवसर प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है? उदारवाद। दोबारा सुन लीजिए परिभाषा। यूरोप में 19वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग के लोगों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा प्रोत्साहित वे विचारधारा जिसमें उनको ही अधिक से अधिक राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में अवसर प्राप्त होते हैं, वो उदारवाद कहलाता है। ठीक है साहब, ये विचारधारा वहाँ पर चल रही थी यूरोप में, यूरोप के देशों में। अब देखो साहब, इसी में अपन पढ़ेंगे कि कुलीन वर्ग को प्राप्त विशेष अधिकार की समाप्ति के बाद क्या हुआ। यहाँ पर यूरोप में कुलीन वर्ग को प्राप्त विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित वर्ग एवं उदारवादी वर्गों के मध्य, शिक्षित वर्ग और उदारवादी वर्गों के मध्य ही राष्ट्रीय एकता के विचारों का अधिक प्रचार प्रसार हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो किस किस के मध्य? शिक्षित और उदारवादी वर्गों के मध्य राष्ट्रीय एकता के विचारों का अधिक हमको प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। राष्ट्रीय एकता मतलब वह एकता जिसमें सभी लोग एक हो जाएं, सभी लोग एक ही नज़रिए से अपने राष्ट्र के विकास के बारे में सोचें, सभी लोग राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करें, जनता के लिए तरह तरह की योजनाएं क्रियान्वित करें, इस तरह के विचार जो थे शिक्षित और उदारवादी वर्गों के मध्य राष्ट्रीय एकता के विचारों का अधिक प्रचार प्रसार यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अब बात आती है उदारवाद शब्द क्या है। यहाँ देखिए साहब, उदारवाद यह शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द, क्या भैया? यह शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर से बना है, जिसका मतलब होता है आज़ाद। क्या अर्थ होता है भैया इसका? आज़ाद। तो बताने का परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा है,
उदारवादी शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। क्या होता है भैया इसका अर्थ? आज़ाद। तो उदारवाद का अर्थ यहाँ पर पूछे एग्जाम में अपन से कि उदारवाद को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा उदारवाद को आज़ाद के नाम से जानते हैं। इसका मीन्स क्या होता है? ये होता है। और उदारवाद किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। उदारवाद किस से मिलकर बना है? लिबर शब्द से बना है। लिबर शब्द से इसका निर्माण हुआ है। तो कह सकते हैं कि यूरोप के नवीन मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था लोगों के लिए स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष समानता की भावना रखना। कानून यानी कि दोबारा सुन लो क्या बता रहा है। यूरोप के नवीन मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था, क्या अर्थ था? लोगों के लिए स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष सभी की समानता रखना। यह आ गया साहब। यूरोप में नवीन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष सभी के लिए समानता रखना, ये कहलाता है अपना क्या भैया? उदारवाद। यानी कि किसी को भी असमानता की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, समस्त अधिकार सभी को प्रदान किए जाएंगे, सभी के लिए रोजगार, सभी के लिए आवास, प्रवास और अन्य गतिविधियाँ जो उस राष्ट्र में घटित होंगी वो सभी को मिलेंगी। स्वतंत्रता सभी के लिए होगी, कानून के लिए सभी क्या होंगे भैया? समान होंगे, किसी के संग भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि किसी ने कोई, जैसे कि जो प्रखर व्यक्ति है, उच्च व्यक्ति है, जिसका समाज में दबदबा है, उसने कोई गलती करी है तो वही दंड उसी को मिलेगा। कोई कमज़ोर व्यक्ति है, उसने गलती करी है तो उतना ही दंड उसको मिलेगा। यानी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अर्थ बात करेंगे तो लोगों के लिए स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष क्या भैया? सभी को समानता से रखना, ये कहलाता है उदारवाद। यहाँ फ्रांसीसी जो क्रांति है के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही उदारवाद जो है निरंकुश व पादरी वर्ग जो था वह चर्च में रहा करता था। जनता से मनमाना कर लेना, जनता पर अधिकार लगाना, जनता पर कानून बनाना, उनको गुमराह करना, ये सब तरह की बातें यूरोप में घटित हुई हैं, जिसके कारण वहाँ पर कई ऐसे कार्य हुए हैं जिसके लिए वो चर्चा का विषय बना हुआ यूरोप। देखिए साहब, फ्रांसीसी क्रांति के बाद, तो फ्रांसीसी क्रांति अपन बात करेंगे कब हुई थी भैया? 1789। मैंने कल बताया था आपको 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसका नारा बताया था मैंने आपको कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना का विकास करना, जिसमें वो फ्रांस सफल रहा था। वहाँ के लोगों में निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, उसमें वहाँ के लोग पूरी तरह सफल रहे और लोगों ने अपने आप को उस दलदल से निकल करके एक नई विचारधारा को अपनाया। क्रांतिकारियों के सहयोग से निरंकुश राजवंश का अंत हुआ, जनता को समानता, स्वतंत्रता के अधिकार मिले और उन्होंने अपना जीवन जीने का ढंग जो है पूरी तरह से प्राचीन व्यवस्थाओं से बदल करके नवीन व्यवस्था की ओर अग्रसर कर दिया। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही उदारवाद निरंकुश शासन में पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। कहते हैं कि निरंकुश शासक व पादरी वर्ग के विशेषाधिकार जो उनको प्राप्त थे की समाप्ति तथा संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थक था। संविधान की पालना करना, संविधान में वर्णित नियमों का पालन करना आदि, और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थक था। आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं अपन, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और पूंजी व वस्तुओं के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने के पक्ष में था। कौन था भैया? उदारवाद। उदारवाद की एक और डेफिनेशन निकल के आती है कि आर्थिक क्षेत्र के बारे में बात पूछता है तो मन को बताना पड़ेगा कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति एवं पूंजी व वस्तुओं के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने के पक्ष में था। कौन था भैया? उदारवाद। इस तरह उदारवाद जो है, जिसने बहुत कुछ जो है
ऐसा कार्य किया जिससे लोगों को काफ़ी कुछ मदद हमको देखने को यहाँ मिलती है। तो ये हो गया तुम्हारा उदारवाद। अब देखिए भैया, अगला हमारा जो बिंदु है उसमें पढ़ेंगे अपन जो है अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना रूढ़िवाद। ये हो गया अपना रूढ़िवाद। यह एक ऐसा रूढ़िवाद क्या है, यह एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है। रूढ़िवाद की परिभाषा बताएंगे, यह ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा द्वारा संस्थाओं व रीति रिवाजों पर बल देता है। सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि आपको बताना पड़ेगा कि रूढ़िवाद क्या है। यह एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है, सिंपल परिभाषा है, रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा द्वारा संस्थाओं व रीति रिवाजों पर बल देता है। परंपराओं द्वारा संस्थाओं व रीति रिवाजों पर बल देता है। तो परंपराओं और रीति रिवाजों पर बल देता है, उसे क्या कहते हैं अपन भैया, रूढ़िवाद। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है। क्या है रूढ़िवाद, एक राजनीतिक दर्शन है जो परंपराओं द्वारा संस्था व रीति रिवाजों पर बल देता है और तीव्र परिवर्तन की अपेक्षा धीमे और क्रमिक विकास को प्राथमिकता देता है। तीव्र यानी कि त्वरित कार्रवाई के स्थान पर धीमा व क्रमिक विकास को प्राथमिकता देता है। कौन देता है भैया, रूढ़िवाद। तो सीधे शब्दों में बताएंगे अपन रूढ़िवाद क्या है। यह ऐसा एक राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा द्वारा संस्थाओं रीति रिवाज पर बल देता है। ये तो अपन को बात हुई गई। इसके अलावा तीव्र परिवर्तन की अपेक्षा यह राजनीतिक दर्शन है जो त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा धीमे और क्रमिक विकास को प्रोत्साहित या प्रोत्साहन देता है। कौन देता है भैया, रूढ़िवाद। त्वरित कार्रवाई की तरफ ये इंगित नहीं करता कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए या जल्दी से कोई कार्य होना चाहिए, बल्कि क्रमिक विकास धीरे धीरे जो है क्रमिक विकास को प्राथमिकता देता है, रूढ़िवाद कहलाता है। सन 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई थी। तो नेपोलियन ये बहुत यूरोप का बड़ा वीर व्यक्ति था, इसने बहुत सारे युद्ध जीते, इसका अपना एक नाम हुआ करता था, फ्रांस का राजा हुआ करता था। इसने जनता के लिए बहुत सारी सुविधाएं की और कुछ ऐसे कार्य किए जिसको जनता ने इसको बर्खास्त किया। तो 1815 में बताएंगे यहाँ पर कि नेपोलियन जो है को पराजित, इसमें चर्चा करेंगे कि सन 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद, तो नेपोलियन की पराजय कब हुई थी भैया, 1815 में नेपोलियन क्या होगा भैया, पराजित हो गया। पराजय के बाद यूरोप की सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप की सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। इट मीन्स रूढ़िवादियों का मूल मत था, क्या मत था, कि राज्य व सरकार द्वारा स्थापित की गई पारंपरिक संस्थाओं जैसे चर्च हैं, पारंपरिक संस्थाएं, प्राचीन संस्थाएं कौन कौन सी थी, चर्च, सामाजिक भेदभाव, राजतंत्र और संपत्ति एवं परिवार को बनाए रखना, ये पारंपरिक जो है अपन कह सकते हैं संस्थाएं थी जिनमें अपन पारंपरिक संस्थाओं में जोड़ सकते हैं, चर्च को जोड़ सकते हैं जिसमें पोप और पादरी रहा करते थे, जनता आती थी वहाँ पर, और साथ में सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, राजतंत्र और संपत्ति एवं परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो ये रूढ़िवाद के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा। परंपरागत प्राचीन चली आ रही जो प्रथाएं थी उनको माना कर रहा है। नेपोलियन को पराजित करने वाली यूरोपियन शक्तियां
अब नेपाल को पराजित करने वाली यूरोपियन शक्तियां यदि पूछे तो क्या ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस व ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर के क्या किया साहब, नेपोलियन को क्या किया भैया, पराजित किया। नेपोलियन को क्या किया इन्होंने भैया, पराजित किया। तो आप सोचेगा कि नेपोलियन की, नेपोलियन को पराजित करने वाली यूरोपियन शक्तियों के नाम बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा नेपोलियन को पराजित करने वाली यूरोपियन शक्तियों में सबसे पहला स्थान आता है ब्रिटेन का, जिसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं, उसके बाद में नंबर आता है रूस का, प्रशा का और ऑस्ट्रिया का। ये वो शक्तियाँ थी जिन्होंने नेपोलियन को पराजित किया। और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि ने यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने वाले, समझौता तैयार करने वास्ते वियना में मुलाकात की, और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटर्निक ने इस सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर यह कौन था भैया, मेटर्निक, जिसने जो वियना में सम्मेलन हुआ था उसमें मेजबानी की थी, जाकर के शिरकत की थी और उसको चालू किया था। सभी प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से, सभी प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से सन 1815 में वियना संधि तैयार की थी। सभी ने मिलकर के इस पर अपने हस्ताक्षर किए, विचार विमर्श हुआ कि भाई क्या लागू करना है, क्या लागू नहीं करना है, आदि बातों का इन्होंने यहाँ पर बैठ करके एक गाइडलाइन तैयार की और जनता के सामने उसको रखा। अब इसी में अगला जो बिंदु है जो है ये है कि वियना संधि का उद्देश्य क्या था, जो संधि हुई थी वियना संधि उसका उद्देश्य अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप बताना है उन बहुत से बदलावों को समाप्त करना था जिन्हें नेपोलियन द्वारा युद्धों के दौरान किया गया। तो पूछेगा वियना संधि का उद्देश्य क्या था, तो वो उन बहुत से बदलावों को समाप्त करना जिन्हें नेपोलियन ने युद्धों के दौरान किया था, यानी नेपोलियन द्वारा युद्धों के दौरान किया गया था बदलाव जो किए गए थे उनको समाप्त करना इस वियना संधि का प्रमुख उद्देश्य माना गया था। तो एग्जाम में पूछेगा कि वियना संधि का उद्देश्य बताइए, तो आपको दो लाइन में बताना है कि उन बहुत से बदलावों को समाप्त करना जिन्हें नेपोलियाई युद्धों के दौरान किया गया था। उन बदलावों को जिन्होंने युद्ध हुए थे नेपोलियन के टाइम में युद्ध हुए थे उन बदलावों को समाप्त करना माना गया है। अब इसी में देखेंगे वियना संधि के तहत फ्रांसिस की क्रांति के दौरान हटाए गए ब्रुवो राजवंश को वापस शासन का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो ब्रुवो राजवंश हुआ था ना साहब, तो वियना संधि के तहत ये दिया गया कि फ्रांस की क्रांति के दौरान हटाए गए ब्रुवो राजवंश को समाप्त वापस शासन का अधिकार प्रदान कर दिया गया। उस संधि के दौरान फ्रांस को भविष्य में विस्तार करने से रोकने के लिए उसकी सीमाओं पर उत्तर में नीदरलैंड राज स्थापित किया गया ताकि फ्रांस जो है अपना विस्तार नहीं कर सके। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं कब स्थापित हुई थी भैया, 1815 में नेपोलियन के टाइम पर थी, उसी समय उसकी पराजय हुई थी। तो जो है 1815 में रूढ़िवादी जो शासन व्यवस्थाएं थी वो निरंकुश व्यवस्थाएं थी, क्योंकि उस पर राजा का अधिकार होता था, राजा मनचाहे जो कर सकता था, सर्वे सर्व राजा हुआ करता था आदि। अगला टॉपिक है क्रांतिकारी, जिनका कि यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमको देखने को मिलता है, जिनके मार्फत, जिनके दम पर वहाँ के लोग निरंकुशवाद से मुक्त हुए और वो अपना जीवन जीने लगे। तो देखिए 1815 के बाद यूरोप में अनेक उदारवादी, राष्ट्रवादी, सरकारी दमन व भय से भूमिगत हो गए, भय से, डर से भूमिगत हो गए, यानी कि चले गए, छोड़ करके गुप्त हो गए, दुपक गए, छुपक गए, यानी कि वहाँ से स्थान छोड़ करके चले गए, उसे बोलते भूमिगत होना। अनेक यूरोपीय देशों ने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया, विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक गुप्त संगठनों का निर्माण किया, यानी कि क्रांतिकारियों को गुप्त संगठनों का निर्माण करने के लिए निर्देशित किया। तो उनमें से ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था इटली का जियोसेपी मैथ्सिनी, ये इटली का नागरिक था, साथ साथ प्रशिक्षण एवं विचारों का प्रसार प्रसार करने के लिए अनेक गुप्त संगठनों की स्थापना की। और इटली का जियोसेपी मैथ्सिनी भी एक ऐसा ही क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी की बात कर रहा हूँ, तो
जुएसेपी मैथसिनी जो क्रांतिकारी था, इसने क्या किया साहब, कार्बोनरी नामक, कार्बोनरी ये कार्बोनरी नामक संगठन, कार्बोनरी नामक संगठन का सदस्य था ये। कौन था भैया ये सदस्य था? ये जुएसेपी मैथसिनी, ये सदस्य था मैथसिनी ने यंग इंडिया। इसने क्या किया साहब, एक तो यंग इंडिया एक नंबर, और दूसरा क्या किया इसने साहब, यंग यूरोप। तो मैथसिनी ने यंग इंडिया तथा यंग यूरोप दो अन्य भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। ये कौन संगठन थे भैया, ये भूमिगत संगठन। तो आपसे पूछेगा मैथसिनी द्वारा यूरोप में क्रांतिकारी संगठनों का, इटली का नाविक, इटली का व्यक्ति कौन था क्रांतिकारी, जुएसेपी मैथसिनी, जिसने क्या किया था साहब, दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की। भूमिगत संगठन कौन से थे, यंग इंडिया और यंग यूरोप, इनकी स्थापना इसने की थी मैथसिनी ने। मैथसिनी राजतंत्र का घोर विरोधी था, ये नहीं चाहता था कि राजा का शासन होए, इसका क्या था भैया, ये घोर विरोधी था। मैथसिनी राजतंत्र का घोर विरोधी था तथा प्रजातांत्रिक व गणतंत्रों के अपने स्वप्न से रूढ़िवादियों को हराने में सफल रहा, यानी रूढ़िवादी विचारधारा का मैथसिनी प्रबल विरोधी था, और उसने उनका विरोध किया, उनको हटाया और भूमिगत संगठनों का निर्माण किया। मैथसिनी द्वारा जो कि एक इटली का क्रांतिकारी था, उसने दो यंग इंडिया और यंग यूरोप का निर्माण किया था, गुप्त संगठन थे ये, उनके माध्यम से उसने राजतंत्र का विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से रूढ़िवादी, रूढ़िवादियों को, रूढ़िवादी विचारधारा को हराने में अपनी जान लगा दी और जनता के हित के लिए उसने कार्य किया। मैथसिनी जो कि उसे मेटर्निक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन करार दिया था, मेटर्निक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था, उसने इसको जो है, मेटर्निक ने हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी का सबसे खतरनाक दुश्मन करार दिया था। किसको दिया था करार, जो इस भी मैथसिनी। इस तरह से आज छात्रों मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद पे चर्चा की, इसमें बहुत सारी बातें बताई, इसमें उदारवाद, रूढ़िवाद, वियना और तुम्हारे के नाम से क्रांतिकारी संगठनों में जोसेफ मैथसिनी का योगदान, जिसने दो संगठन बनाए भूमिगत संगठन, उनमें अपना यंग इंडिया और यंग यूरोप, जिसके माध्यम से रूढ़िवाद का विरोध किया, रूढ़िवादी को विरोध किया और उनको हराने में सफल रहा। साथ में बताया था मैंने उसे मैटर्निक मैथसिनी को, मैटर्निक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन करार दिया था। इसलिए आज मैं इस टॉपिक में आपको इतने पढ़ाऊँगा और कल मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगा। ओके।